आज खागा नगर में जिलाधिकारी महोदय का आगमन होना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए, जिन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आना था। जिलाधिकारी की जगह फतेहपुर जनपद की सांसद केंद्रीय राज्य ग्रामीण विकास मंत्री शाद्वी निरंजन ज्योति मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर खागा नगर पंचायत के नौबस्ता रोड कुंभीपुर मोड पर बने लाखों रुपए के भारत स्वच्छ मिशन के अंतर्गत मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी MRF का उद्घाटन समारोह में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाया और खागा विधायक कृष्णा पासवान को सराहा और खागा नगर अध्यक्ष गीता सिंह को बधाई देते हुए सराहा और गंगा पुल यमुना पुल को बहुत जल्द तैयार होने की बात भी कही। इस मौके पर खागा नगर पंचायत के 18 सभासदों के मौजूद नहीं होने की कमी महसूस हो रही थी। आप लोगों को बताते चले कि इस कार्यक्रम में रंगलोगन का आकर्षण देने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन आज सुबह से कितना करें लोग, आखिरकार लाखों रुपए की पॉल खुला तब जब केंद्रीय मंत्री जी की गाड़ी रास्ते में धंस गई। इधर मंत्री जी के गार्ड और ड्राइवर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गाड़ी निकालने के हर संभव प्रयास किए जा रहे थे और उधर कार्यक्रम में लोगों को सम्मानित किया जा रहा था। MP यूज कास्ट ब्यूरो संजय पटेल कैमरा मैन अजय मौर्य के फतेहपुर से। कि नगर को स्वच्छ व रोग मुक्त रखने के लिए आगे आए और स्वच्छता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन जड़ता के साथ करें। कृपया ध्यान दें, आपके घर का कूड़ा लेने आया हूँ, कृपया घर के बाहर निकलकर अपने घर का कूड़ा कचरा हमारी गाड़ी में डालें, उसे सड़क पर न फेंकें। कृपया इस व्यवधान ध्यान रखें, घर के सूखे और गीले कूड़े को अलग अलग रखें और जब हमारी गाड़ी कूड़ा लेने आए और सीटी बजाए तब कूड़ा घर के बाहर निकाल कर गाड़ी में डाल दें। यह सभी ध्यान रखें कि घर के कूड़े को इधर उधर सड़क नाली में नहीं फेंकना है और न ही जलाना है। ऐसा करने से बच्चे भी निरोगी व स्वस्थ रहेंगे। नगर पंचायत खागा को स्वच्छता की श्रेणी में सबसे ऊपर लाने के लिए चेयरमैन श्रीमती गीता सिंह, पत्नी श्री राम गोपाल सिंह द्वारा चलाए जा रहे नए स्वच्छ खागा अभियान में सहयोग करें। दर दर का सफाई रंग होगी, आएंगे नजर न कहीं होगी, लोगों को दूर भगाना है, खागा को स्वच्छ बनाना है। अपना कर निर्धारण का फॉर्म जल्द से जल्द भरें, जिससे आपके मकान का नंबर सुव्यवस्थित ढंग से आवंटित किया जा सके और नगर पंचायत खागा को सुव्यवस्थित नगर बनाया जा सके। याद रखें, नगर को स्वच्छ बनाए रखने और ना ही सड़क पर डालें, इससे रोग फैलते हैं। मलेरिया और डेंगू जैसे मच्छर हमारे जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। नगर को स्वच्छता की धारा में सर्वप्रथम रखने की ये अपील हमारी नगर पंचायत अध्यक्षा श्रीमती गीता सिंह, पत्नी श्री राम गोपाल सिंह की ही नहीं बल्कि नगर के सभी वार्डों के माननीय सभासदों की भी है। वार्ड नंबर 1 से श्रीमती श्याम कली, वार्ड 2 से श्री भैया लाल, वार्ड 3 से श्री राम प्रकाश, वार्ड 4 से ओम प्रकाश और वार्ड 6 से श्रीमती शोभा गुप्ता पत्नी रमेश अग्रहरी, 7 से कमल किशोर, वार्ड 8 से मोहम्मद सलीम, 9 से सूरज सिंह, वार्ड नंबर 10 से मोहम्मद वसीम, वार्ड नंबर 11 से श्रीमती कमला पाल, वार्ड 12 से श्रीमती अंजू सिंह, पत्नी बच्चन सिंह, पत्नी शमशेर अली, वार्ड नंबर 15 से संदीप, वार्ड नंबर 16 से प्रभाकर। वार्ड विशेष आग्रह है कि खागा नगर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाए और यदि कहीं सफाई की आवश्यकता है तो तत्काल टोल फ्री नंबर 1800 जाकर निकालो फटाफट।
विनोद गांधी हमारे बीच में सभा सचिव उपस्थित है, मोहम्मद कलीम हमारे बीच में उपस्थित है, दो करोड़ 34 लाख का एक सद्भावना मंडप बनने जा रहा है, जिसकी जगह को मैं अभी देखने गई थी, उसका टेंडर भी हो चुका है और बहुत जल्दी काम होने वाला है। मुझे लग रहा है प्रदेश में पहला वो भी है सद्भावना मंडप से बनने जा रहा है। अभी तक तो मुझे आगे पीछे के जिलों में कहीं नहीं दिखाई पड़ा। तो हम लोग काम करने पर विश्वास करते हैं। आप सबकी चिंता रहती थी कि विजयपुर से हमें फतेहपुर नजदीक पड़ता है जाने में, गाजीपुर होकर के वो रोड भी टेंडर हो चुका, उसका भी काम शुरू होने वाला है। आदरणीय केशव जी उसका शिलान्यास करके चले गए। और ये मैंने केशव जी से विधायक जी के सामने वादा किया था कि आप शिलान्यास तो आयासा विधानसभा से करेंगे और उद्घाटन उसका खागा विधानसभा विजयपुर से करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन के लिए रोड, बिजली, पानी, सड़क, जब ये तीनों चीजें हमारे जीवन से जुड़ी होती हैं, वो सुचारू रूप से होती है तो काम भी होता है।